श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के तुरंत ही बाद ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव करकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास को पहुंचाने की शुरुआत की। मुरारजी देसाई के बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग शिलोंग के अंदर करने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। हर 15 दिन में केंद्र सरकार के एक मंत्री किसी न किसी राज्य के अंदर अपना दौरा विकास कार्यक्रमों के तहत कर रहे थे। पैसा तो हर बार आवंटित होता था, मोदी जी के नेतृत्व और सफल नीतियों के कारण पैसा विकास में परिवर्तित होने लगा और वहां पर विकास पहुंचा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों की ही जीत है और उस पर आज नॉर्थ ईस्ट की ये तीनों राज्यों ने बड़ी मोहर लगाई है। अभी आना बाकी है गोल्डन पीरियड। ऐसा 2014 में भी पूछते थे, तब भी मैं कहता था। यूपी में भी पूछा था, तब भी मैं कहता हूँ। उड़ीसा, बंगाल और केरल में जब तक सरकारें नहीं बनती, कर्नाटक जब तक जीत नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड आना बाकी है। ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, उड़ीसा में, बंगाल में और केरल में, तीनों में बनेगी सरकार और कर्नाटक तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। इटली में चुनाव भी है। मुझे किसी का व्हाट्सएप आया, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं कि इटली में चुनाव है। साच अर्थ में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष का दिन है। उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए कई दृष्टि से मायने रखती हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर पूर्व के इन तीनों राज्यों की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।